आज मैं आपको रायते में डालने वाली बूंदी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इसका हम घोल तैयार करेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से बूंदी अच्छे से फूलती है, एकदम मार्केट की तरह बनेगी आपकी बूंदी। ये मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। अब मैं पानी डालकर इसका घोल तैयार करूँगी। हमको घोल को ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। देखिए हमारा एकदम परफेक्ट घोल तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप भी घोल बनाइएगा जिससे कि आपकी बूंदी भी मेरी तरह एकदम फूली हुई बने। देखिए हमको घोल को इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और ना ही इससे ज़्यादा पतला करेंगे आप। लीजिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने इसको पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। से हम अपनी सारी बूंदी निकाल लेंगे। रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद